वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिथ्रा एंड पेनिस के बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सिमिनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ लिया था, फंक्शन ऑफ द सिमिनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ लिया था, एजरी डक्ट के बारे में पढ़ लिया था, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था और फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड को के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? यूरिथ्रा एंड पेनिस। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या है, अपन एक बार प्रीवियस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। सिमिनल वेसिकल्स, द सेमिनल वेसिकल्स आर द टू स्मॉल फाइब्रोमस्कुलर पाउच लाइन विद द क्लोमेरुलर एपिथीलियम लाइनिंग ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर। जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो क्या हैं? दो छोटी स्मॉल फाइब्रोमस्कुलर क्या हैं? पाउच होते हैं, लाइन विद क्लोमेरुलर एपिथीलियम। किसकी लाइनिंग होती है? क्लोमेरुलर एपिथीलियम की लाइनिंग होती है। लाइनिंग लाइंग ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लेडर। कहाँ पे सिचुएटेड रहती है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट किसका? ब्लेडर का। वहां पे क्या है, ये सेमिनल वेसिकल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। एट इट लोअर एंड ईच सेमिनल वेसिकल्स ओपन इनटू ए शॉर्ट डक्ट विच जॉइन विद द कोरिस्पोंडिंग डिफरेंट डक्ट टू फॉर्म ए एक्सिलरी डक्ट। ये क्या है? एट इट लोअर एंड ईच सेमिनल वेसिकल्स, जो इसका लोअर एंड है वो किस में ओपन होता है? ओपन इनटू ए शॉर्ट डक्ट, जो शॉर्ट डक्ट है उनके अंदर क्या है? ओपन होता है। विच जॉइन क्या करता है? जॉइन करता है विद द कोरिस्पोंडिंग डिफरेंट डक्ट, जो इसके साथ डिफरेंट डक्ट है उनके अंदर क्या है? जॉइन करता है फ्रॉम एन एक्सिलरी डक्ट। और कहाँ पे? एक्सिलरी डक्ट के अंदर। तो सेमिनल वेसिकल्स क्या है? दो फाइब्रोमस्कुलर पाउच होते हैं, ठीक है। लाइनिंग किसकी होती है? क्लोमेरुलर एपिथेलियम। किस पे लाइनिंग होती है? सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है? पोस्टियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लेडर पे क्या है, ये प्रेजेंट रहती हैं। एट इट लोअर, जो इसका लोअर एंड है वो क्या है सेमिनल वेसिकल्स का, किस में ओपन होता है? शॉर्ट डक्ट के अंदर ओपन होता है, जो किसको ज्वाइन करता है? कोरिस्पोंडिंग डिफरेंट डक्ट जो है उनको ज्वाइन करता है फ्रॉम एन एक्सिलरी डक्ट के साथ। नेक्स्ट क्या है? एक सेक्शन दिखाया गया है किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का। और उसके साथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कौन से ऑर्गन जो है वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कौन से जो ऑर्गन है वो कनेक्ट रहते हैं। तो ब्लेडर है, डिफरेंट डक्ट दिखाई गई हैं, सेमिनल वेसिकल्स दिखाई गई हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या बात की थी? सेमिनल वेसिकल्स है वो क्या है, किसमें आके किसके साथ कनेक्ट हो रही है? डिफरेंट डक्ट के साथ। यहाँ पे आके क्या डिफरेंट डक्ट के साथ कनेक्ट हो गई। और बाद में क्या था, सारी की सारी किसमें जा रही थी? कॉमन है, ये जो अपनी एक्सिलरी डक्ट थी उसके अंदर क्या है ओपन हो रही थी। तो यानी क्या देखा था अपन ने, जो स्मॉल डक्ट है वो किसके अंदर किसके साथ कर रही है? डिफरेंट डक्ट के साथ। और दोनों किस पे जा रही है? एक्सिलरी डक्ट के पास जा रही है। ये क्या है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई गई है और ये क्या है, इसमें यूरिथ्रा दिखाई गई है।
नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स। द सेमिनल वेसिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेल देयर एक्सप्लेन देयर स्टोर कंटेंट सेमिनल फ्लूइड ड्यूरिंग एक्जुलेशन। द सेमिनल फ्लूइड विच फॉर्म 60% ऑफ द बल्क ऑफ द फ्लूइड एक्जुलेट एट मेल ऑर्गेनिज्म कंटेंट न्यूट्रिशन टू सपोर्ट द स्पर्म ड्यूरिंग देयर जनरी थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सेमिनल फ्लूइड क्या है, सेमिनल फ्लूइड में विच फॉर्म 60% ऑफ द बल्क ऑफ द फ्लूइड एक्जुलेटेड एट मेल ऑर्गेनिज्म कंटेंट न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट द स्पर्म ड्यूरिंग देयर जनरी थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो सेमिनल वेसिकल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपेल का मतलब क्या है, डायलेट होती है यानी कि उसको स्रावित करती हैं, निष्कासित करती हैं। देयर स्टोर कंटेंट, इसके अंदर क्या है, जो कंटेंट स्टोर रहते हैं उनको सेमिनल फ्लूइड ड्यूरिंग एजुलेशन, एजुलेशन के दौरान क्या है, जो सेमिनल वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इनके अंदर जो कंटेंट स्टोर रहते हैं उनको क्या करती हैं, वो बाहर की तरफ एक्सप्लेन करती हैं, निकालती हैं। सेमिनल फ्लूइड विच फॉर्म 60% ऑफ द बल्क ऑफ द फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड है वो क्या, 60% ऑफ द बल्क फ्लूइड होता है एक्जुलेटेड एट मेल ऑर्गेनिज्म कंटेंट, क्या क्या है इसमें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं किसको, स्पर्म को ड्यूरिंग देयर, कब, जब उसकी जर्नी होती है, कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो प्रवेश करते हैं, उसके अंदर वो जाते हैं तब। नेक्स्ट है एक्जिलरी डक्ट। एक्जिलरी डक्ट क्या है, द एक्जिलरी डक्ट आर टू ट्यूब, ये क्या है, दो ट्यूब होती हैं अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग की, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग की क्या है, ये दो ट्यूब होती हैं, ईच फॉर्म बाय ए यूनियन ऑफ द डक्ट, प्रत्येक किससे बनती है, यूनियन ऑफ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड डिफरेंट डक्ट। तो एक्जिलरी डक्ट क्या है, दो डक्ट होती हैं जो क्या है, दो दो सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, प्रत्येक किससे बनती है, यूनियन ऑफ द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड डिफरेंट डक्ट। दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जॉइन द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कैरिंग सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्मेटोजोआ टू द यूरिथ्रा। द एक्जिलरी डक्ट आर कंपोज्ड ऑफ द सेम लेयर ऑफ द टिश्यू एज द सेमिनल वेसिकल्स। द एक्जिलरी डक्ट है वो क्या है, कंपोज्ड होती है, कंपोज्ड ऑफ द सेम लेयर ऑफ द टिश्यू एज द सेमिनल वेसिकल्स। नेक्स्ट क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या है, द प्रोस्टेट
gland lies in the pelvic cavity in front of the rectum and behind the symphysis pubis surrounding the first part of the urethra. The prostate gland कहाँ पे रहती है? Lies in the pelvic cavity के अंदर present रहती है. In front of the rectum and behind the symphysis pubis surrounding the first part of the urethra. It consists of an outer fibrous covering, a layer of smooth muscles and granular substance composed of columnar epithelium cell. किससे बनती है? Consists of an outer fibrous covering of a layer of smooth muscles and granular substance composed of columnar epithelium cell. Next है function of the prostate gland. तो prostate gland secrete a thin milky fluid. Prostate gland क्या करती है? सीक्रेट करती है किसको? ए थिन मिल्की फ्लूड दैट मेक अप अबाउट 30% ऑफ सीमन एंड गिव इट मिल्की अपीयरेंस. तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? सीक्रेट करती है, ठीक है, किसको? एक थिन मिल्की फ्लूड सीक्रेट करती है जो क्या बनाती है? 30% सीमन बनाती है और क्या करती है? एंड गिव इट्स मिल्की अपीयरेंस, और इसको क्या है? मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करवाती है. इट इज स्लाइटली एल्कलाइन. ये क्या है? स्लाइटली एल्कलाइन होती है विच प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव लोकल एनवायरमेंट फॉर स्पर्म. ये क्या करती है? प्रोवाइड कराती है क्या? प्रोटेक्टिव लोकल एनवायरमेंट फॉर स्पर्म अराइविंग इन एसिडिक वेजाइना. इट ऑल्सो कंटेन ए क्लोटिंग एंजाइम विच थिकनेस द सीमन इन द वेजाइना इंक्रीजिंग द लाइकवुड ऑफ सीमन बींग रिटेन्ड इन द विनिसिटी ऑफ द सर्विक्स. नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? यूरिथ्रा एंड पेनिस. तो यूरिथ्रा क्या है? द मेल यूरिथ्रा प्रोवाइड ए कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमन टू कंबाइन सिक्रेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो यूरिथ्रा क्या है? प्रोवाइड कराती है क्या? कॉमन पाथवे प्रोवाइड कराती है किसके लिए? सीमन को और यूरिन को, दोनों को कंबाइंड सिक्रेशन उसी पाथवे से होता है. किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. This is about 19 to 12 centimeter long and consists of three part. जो क्या है? 19 से 20 सेंटीमीटर क्या है? लॉन्ग होती है और किससे बनती है? तीन पार्ट से मिलके बनी होती है. द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा ओरिजिनेट एट द यूरिथ्रल ओरिफेस ऑफ द ब्लेडर एंड पास द प्रोस्टेट ग्लैंड. द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा क्या है? ओरिजिनेट एट द यूरिथ्रल ओरिफेस ऑफ द ब्लेडर एंड पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड. तो यूरिथ्रा क्या है? जो मेल यूरिथ्रा है वो क्या है? कॉमन पाथवे है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जिसके अंदर क्या है? यूरिन और जो अपना सीमन है वो दोनों के दोनों क्या है? एक ही पाथवे से क्या है? कंबाइन फ्लो कर सकते हैं. इट इज अबाउट 19 to 20 सेंटीमीटर. ये क्या है? 19 से 20 सेंटीमीटर क्या है? लॉन्ग होती है और तीन पार्ट्स में मिलकर बनी होती है. द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा ओरिजिनेट एट द यूरिथ्रल ओरिफेस ऑफ द ब्लेडर एंड पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड.
नेक्स्ट क्या है, द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज द शॉर्टेस्ट एंड नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एक्सटेंड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड टू द बल्ब ऑफ द पेनिस आफ्टर पासिंग थ्रू द पेरिनियल मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा इज द शॉर्टेस्ट एंड नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एक्सटेंड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड टू द बल्ब ऑफ द पेनिस आफ्टर पासिंग थ्रू द पेरिनियल मेम्ब्रेन. द स्पंजिस और पिनाइल यूरेथ्रा लाइज विद इन द कॉर्पस स्पॉन्जियम ऑफ द पेनिस एंड ट्रांसमिनेट एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस इन द ग्लैंड पेनिस. देर आर टू यूरेथ्रल स्पिंचर. यहाँ पे क्या है, दो यूरेथ्रल स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं. कौन से, द इंटरनल स्पिंचर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर एट द नेक ऑफ द ब्लेडर अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड. जो इंटरनल स्पिंचर है वो क्या है, कंसिस्ट होता है किससे, स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल फाइबर से. और जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एट द नेक ऑफ द ब्लेडर अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड. दूसरा क्या है, द एक्सटर्नल स्पिंचर कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर सराउंडिंग द मेम्ब्रेनस पार्ट. जो एक्सटर्नल स्पिंचर है वो कहाँ पे है, किससे बनता है, स्केलेटल मसल से बनता है. और कहाँ पे रहता है, फाइबर्स सराउंडिंग द मेम्ब्रेनस पार्ट. नेक्स्ट क्या है, पेनिस की स्ट्रक्चर दिखाई गई है. इसके अंदर क्या है, ग्लैंड पेनिस दिखाई गई है, कॉर्पस स्पंजियम दिखाया गया है, कॉर्पस कन्वर्जन दिखाया गया है, यूरेथ्रा दिखाई गई है, बल्ब ऑफ द पेनिस दिखाया गया है, पेरिनियल मेम्ब्रेन दिखाई गई है. तो तीन पार्ट जो थे वो क्या है, इसके अंदर दिखाए गए हैं. जो बी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, स्कॉटम दिखाया गया, बल्ब ऑफ पेनिस दिखाया गया, स्पिंचर दिखाया गया, कॉर्पस कन्वर्जन दिखाया गया, कॉर्पस स्पंजियस दिखाया गया, यूरेथ्रा दिखाई गई है, ग्लैंड पेनिस दिखाया गया है. इसमें पोजीशन दिखाई गई है, कैसे कैसे बॉडी में ओरिजिन रहते हैं, और ये क्या है, पेनिस के पार्ट दिखाए गए हैं.
नेक्स्ट क्या है, पेनिस। द पेनिस हैज ए रूट ऑफ ए बॉडी, पेनिस क्या है, द पेनिस हैज ए रूट ऑफ द बॉडी, द रूट लाइज इन द पेरिनियम एंड द बॉडी सराउंडिंग द यूरिथ्रा। इट इज फॉर्म बाई ए थ्री सिलेंड्रिकल मास ऑफ द इलेक्ट्रिक टिश्यू, इरिटाइल टिश्यू एंड इनवॉलंटरी मसल्स। द इरिटाइल टिश्यू इज सपोर्टेड बाई द फाइब्रस टिश्यू एंड कवर्ड विद स्किन, हैज ए रिच ब्लड सप्लाई। द टू लेटरल कॉलम कॉम आर कॉल्ड द कॉर्परा कॉन्वर्जा एंड द कॉलम बिटवीन दैम कंटेनिंग द यूरिथ्रा इज कॉर्पस स्पॉन्जियम। पेनिस क्या है, पेनिस इज ए रूट एंड ए बॉडी, द रूट लाइज इन द पेरिनियम एंड द सराउंडिंग द यूरिथ्रा। It is formed by the three cylindrical mass of electric tissue and involuntary muscles. The irritative tissue of supported by fibrous tissue and covered with skin has a rich blood supply. The two lateral columns are called the corpora converga and the column between them containing the urethra is the corpus spongium. At its tip is expanded into a triangular structure known as the gland penis. ये जो tip है किसकी triangular structure होती है उसको क्या बोलते हैं, gland penis बोलते हैं। Just above the gland the skin is folded upon itself and form a movable double layer, the foreskin or perch. Arterial blood supply by the deep dorsal and bulbar artery of the penis which are branched from the internal pudendal artery. जो blood supply वो कौन करता है, डीप डोर्सल एंड बल्बल आर्टरी है वो क्या करती है, पेनिस को ब्लड सप्लाई करती है, जो किसकी ब्रांच है, इंटरनल पुडेंडियल आर्टरी की क्या है, ब्रांच है। ए सीरीज ऑफ वेन ड्रेन ब्लड इनटू द इंटरनल पुडेंडियल वेन एंड इंटरनल इलिक वेन। जो इंटरनल इलिक वेन है वो क्या करती है, वीनस ड्रेनेज करती है। द पेनिस इज सप्लाइड बाई ऑटोनोमिक एंड सोमेटिक नर्व पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन लीड टू फिलिंग ऑफ द स्पंजी इलेक्ट्रिक टिश्यू with blood caused by the arterial dilatation and vasoconstriction which increase blood flow into the penis and obstructed outflow. The penis therefore become ignored and irritate in the essential periscuit of the clitoris to occur. Next, puberty in male.
दिस अकर बिटवीन द एज ऑफ 10th and 14th, 10 से 14 साल के अंदर क्या है, मेल के अंदर प्यूबर्टी आती है, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन फॉर्म द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टिमुलेट द इंटरस्टीशियल सेल ऑफ द टेस्टिस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, दिस हॉर्मोन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। नेक्स्ट है चेंजेस विच अकर एट प्यूबर्टी। चेंजेस क्या क्या आते हैं प्यूबर्टी में, ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन एंड ए मार्क इंक्रीज इन द हाइट एंड वेट। क्या है, ग्रोथ होती है मसल्स की, ठीक है, और हाइट और वेट बढ़ता है। एनलार्जमेंट ऑफ द लेरिंग्स एंड डिपिंग ऑन ऑफ द वॉइस इट ब्रेक्स। क्या है, लेरिंग्स का क्या है, इनलार्जमेंट हो जाता है और वॉइस क्या है, भारी होने लग जाती है। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, एक्सिलरी चेस्ट, एब्डोमेन एंड प्यूबिस। ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है हेयर्स की, कहाँ पे, फेस पे, एक्सिलरी पार्ट जो उनमें, चेस्ट में, एब्डोमेन पे और प्यूबिक जो एरिया है वहाँ पे क्या ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, किसकी, हेयर की। इनलार्जमेंट ऑफ द पेनिस, स्कोटम एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इनलार्जमेंट होता है जिसका पेनिस का, स्कोटम का, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या है, इनलार्जमेंट होने लग जाता है। मैच्यूरेशन ऑफ द सेमिनल फ्लोरिस ट्यूबल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या है, प्रोडक्शन होता है। द स्किन थिकनेस एंड बिकॉज मोर ऑयली, स्किन क्या है, ऑयली होने लग जाती है। नेक्स्ट क्या है, इन द मेल फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल एबिलिटी टेंड टू डिलाइन ग्रेजुअली विद द एजिंग, द सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन ग्रेजुअली डिक्लाइंस, यूजुअली बिगिनिंग एट द ईयर ऑफ 40 एज, देयर आर नो पीरियड कंपेयर्ड इन फीमेल मेनोपॉज। थैंक्स टू ऑल। ये आज क्या है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। सभी स्टूडेंट
नोट्स प्रिपेयर कर लेना, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास नहीं ले रहे वो सभी स्टूडेंट रेगुलर क्लास लें, सभी नोट्स प्रिपेयर करके पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आपकी एग्ज़ाम जो है वो जो आपके एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो वही है, आपके एग्ज़ाम टाइम पे होंगी, तो आप सभी अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें। थैंक्स टू ऑल।